तक जा रहे हैं, कामयाब करें। तो क्यों आपने जरूरी समझा कि इस यात्रा में आप भी शामिल हो? जो इसराइल जो अभी चालू है, इसराइल का युद्ध चालू है, उसके जिले में हम जाना चाहते हैं कि वहाँ पर जो अभी चालू है वो बंद हो जाए, सब कुछ जितने भी कत्ल हो रहे हैं वहाँ पे वो सब बंद हो जाए। चारू भाई के नाम, चारू भाई के नाम से सब जानते हैं। जी हाँ, मेरी उम्र 60 पार कर गया हूँ मैं, 61 वर्ष शुरू है। अल्लाह का एहसान है ये, और आगे तकरीबन अभी 50 किलोमीटर का सफर और बाकी इंशाल्लाह, वो भी इंसानी सी। देखिए, हालांकि कई चीज़ों पे इसमें गौर करना ज़रूरी है। फिलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है ये एक आज की बात नहीं है, ये एक सोची समझी बरसों से चली आ रही साजिश का एक हिस्सा है ये, जिसमें एक कम्युनिटी ने हम लोगों को बांट करके, जैसा उनका उसूल है डिवाइड एंड रूल, उस हिसाब से हमको बांट करके आज अलग अलग होने की वजह से फिर एक एक को पकड़ पकड़ करके उनके ऊपर बमबारी करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, ये उनकी पॉलिसी शुरू से चलते आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो यूएनओ का सरदार अमरीका। आज मुसलमानों को टेररिस्ट बताया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है अमरीका, जो अपने हथियार बेचने के लिए लोगों को ऐसा बांट करके रखता है और फिर उनमें दाने डाल करके लड़वाना और फिर अपने हथियारों को सप्लाई करना, ये उसकी पॉलिसी रही। और उसी का एक हिस्सा है फिलिस्तीन और इजराइल। हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति बने रहे। मैं 1992 में हिंदुस्तान की शांति के लिए 2300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुका हूँ मैं, और अब मौका मिला है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, तो इंशाल्लाह सेवाग्राम भी चले जाएंगे पैदल पैदल।